अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस लेक्चर सीरीज का मकसद जो है आप सब दोस्तों को यास एमएस फेलोशिप टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स और प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए टिप्स प्रोवाइड करना है। हम काफ़ी सारे चीज़ें प्यास के बारे में देख चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होती है और किस किस डिसिप्लिन में प्यास जो है वो फेलोशिप ऑफर करती है। तो आज जो है हम बेसिकली इस लेक्चर में हम दो अहम क्वेश्चन जो है वो देखने जा रहे हैं और ये दो क्वेश्चन जो है बड़े अहम है। जब भी कोई नया स्टूडेंट प्यास के लिए अप्लाई करता है और किसी स्टेज पे उसे इन चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है या मे बी किसी के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो दो क्वेश्चंस क्या हैं वो ये। एक तो ये है कि आपके माइंड में आ सकता है कि आपने एक दफ़ा जब ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपने एक टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर दिया, तो क्या आपने जब जो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर दिया एक दफ़ा सिलेक्ट करने के बाद किसी स्टेज पे टेस्ट से कुछ दिन पहले अगर आप उस टेस्ट सेंटर तक नहीं पहुँच सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या आप जो है उस टाइम अपना टेस्ट सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका जो इंटरव्यू सेंटर आपने सिलेक्ट किया है क्या वो आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम रिटर्न टेस्ट सेंटर के बारे में। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में कि काफ़ी सारे रिटर्न टेस्ट सेंटर्स हैं प्यास के पाकिस्तान के अंदर, ऑलमोस्ट सभी जो बड़े सिटीज हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आपने जब भी अप्लाई करना है आपने ध्यान से अप्लाई करना है। बाज स्टूडेंट्स गलती से कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं और बाद में वो परेशान हुए फिर रहे होते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें, तो बजाय वो टेस्ट की तैयारी करने के इन चीज़ों में उनका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो पहली बात हुई है कि आपने जब भी टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है अप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान से करना है। सेकेंड ये है कि टेस्ट सेंटर जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं हो सकता एक दफ़ा जो आपने सेलेक्ट कर दिया अप्लाई करते वक्त, लेकिन इन केस अगर आपको कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब ये नहीं है कि अगर आप कहें कि जी मैं जो है वो मुझे बहुत दूर है तो मैं वहां जा नहीं सकता, तो भाई जब आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन तो आपने उस टाइम ये देखना चाहिए था ना कि आपको जो फिजिबल है टेस्ट सेंटर आपने वही सिलेक्ट करना है ना। तो इन केस फिर भी अगर आपको कोई जेन्युइन इशू हो जाता है तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो प्यास के रजिस्ट्रार हैं registrar@pyas.education.pk इनको ईमेल करनी है और क्लियरली वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि टेस्ट सेंटर आप रिटर्न टेस्ट का चेंज कराना चाह रहे हैं या इंटरव्यू का, और फिर एक सॉलिड आपने जो है रीजन देनी है और अगर उसका कोई प्रूफ है तो वो भी दे देना है। तो अगर आपकी, और मैं आपको पहले बता दूँ कि टेस्ट सेंटर चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन इन केस अगर आपका कोई रीज़न जो है वो एक जेन्युइन हो, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई और इशू हो गया, इसकी वजह से आपने इस्लामाबाद टेस्ट सेंटर दिया था, आप सरगोधा के थे, कोई इमरजेंसी होगी आपको घर जाना पड़ गया और उन्हीं डेज में टेस्ट आ गया, तो और अगर आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो फिर ये है कि आप टेस्ट से कुछ दिन पहले भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्रॉपर जो है जस्टिफाई करनी पड़ेगी अपनी रीजन और उसका प्रूफ भी जो है आपको अटैच करना पड़ेगा, तब आपका टेस्ट सेंटर जो है वो चेंज हो सकते हैं। और उसके लिए भी ये है कि मिनिमम एक वीक पहले टेस्ट से पहले आपने रिक्वेस्ट करनी है तब, और अगर एक वीक से कम दिन रह गया तो फिर टेस्ट सेंटर जो है चेंज नहीं हो सकता। तो आपने क्या पता चला, एक तो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करते वक्त ध्यान से सिलेक्ट करना है जब ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेकंड अगर चेंज करना भी चाहते हैं तो आपको सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी, प्रूफ देना पड़ेगा और रजिस्ट्रार से आपको ईमेल करनी पड़ेगी, और थर्ड यह है कि अगर एक वीक पहले रिटर्न टेस्ट से आपको कम से कम रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर आपका जो टेस्ट सेंटर है वो चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर बात की जाए इंटरव्यू सेंटर की, तो नॉर्मली इंटरव्यू सेंटर तीन ही होते हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। तो इंटरव्यू सेंटर भी चेंज होना काफ़ी खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये भी इन केस अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है
इमरजेंसी हो जाती है तो ये भी पॉसिबल है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। तरीकाकार यही होता है कि रजिस्ट्रार साहब को ईमेल्स करनी होती हैं, और बजाय एक ही ईमेल लिख के बार बार 10 बार उसे रिपीट करने के, आप एक ही ईमेल लिखें, अच्छी सी ईमेल लिखें, डिटेल्ड ईमेल लिखें, अपनी प्रॉपर जस्टिफाई करें, कोई प्रूफ है तो वो अटैच करें, उसके बाद आपको जरूर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है। तो यही दो बातें थी जो आज इस वीडियो में डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ, और अब इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम जो प्यास फेलोशिप के पास्ट पेपर्स हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो हो गए, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मटेरियल्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर कुछ लेक्चर्स जो है वो इन्हीं पास्ट पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम चले जाएंगे इंटरव्यूज एक्सपीरियंस के ऊपर। तो डिफरेंट प्यास फेलोज जो करंटली इनरोल हैं प्यास में और जो प्यास से जा चुके हैं, तो उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।